बेटे की मौत की खबर सुनते ही बेटे के वियोग में माँ भी चल बसी। माँ बेटे की शव यात्रा एक साथ निकली और एक ही शमशान में पास पास माँ बेटे की चिताएं जल उठी। यह मार्मिक दृश्य देखकर हर एक की आंखों में आंसू थे। शव वाहन में माँ बेटे के शव जवाहर नगर मुक्तिधाम पहुँचे। खबर के मुताबिक रेलवे के ट्रैफिक विभाग में कार्यरत मोहन राव गायकवाड़ विगत कुछ दिनों से ब्लड प्रेशर से पीड़ित होकर रेलवे अस्पताल में उपचार करवा रहे थे। घर पर मां लक्ष्मीबाई सामान्य रूप से बीमार थी। बुधवार को बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां के भी प्राण निकल गए। परिजनों ने मां बेटे की शव की अंतिम यात्रा निकालकर क्रियाक्रम किया। परिजनों ने एएन टाइम टीम को बताया। कैसे डेथ हुई दोनों की, क्या कारण था? भैया की थोड़ी तबीयत खराब थी 2-3 दिन से, मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत थी, तो उसमें ये एक्सपायर हो गया। और इनके ही दरमियान मदर को मालूम पड़ा तो मदर भी उस देशत में एक्सपायर हो गया। कुछ बीमारी वगैरह तब नहीं, एडमिट वगैरह था नहीं, मदर के घर पे थी। बेकाबू होते कोरोना ने अपने मजबूत पैर पसार लिए हैं। इस संक्रमण से डरे लोग थोड़ी सी बीमारी होते ही फीवर क्लिनिक पहुंचकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। शहर के सिविल अस्पताल परिसर स्थित फीवर क्लिनिक पर जांच के लिए सुबह से ही नागरिकों की भीड़ लग जाती है। तेज धूप होने से जाँच करवाने आने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ समाज सेवियों ने टेंट लगाकर छांव की व्यवस्था की है, जिससे कुछ राहत मिली है। दूसरे फीवर क्लिनिक सिविक सेंटर स्थित तरण ताल पर बनाया गया है, जहाँ समस्याओं का अंबार है। सुबह से जांच के लिए कतार लग जाती है, लेकिन धूप से मरीज परेशान हो जाता है। यहाँ ना तो पीने का पानी है, ना धूप से बचने के लिए कोई साधन, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं होने से मरीज आक्रोश हो रहे हैं। बताया जाता है धूप में खड़े लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी आला अधिकारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के परिजनों की अनावश्यक भीड़ कम करने के लिए और संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन ने बाहर लगा टेंट हटवा दिया है। अब परिसर में मरीजों के वाहन को छोड़कर अन्य अनाधिकृत वाहनों का भी प्रवेश नहीं हो सकेगा। टेंट हटने से परिजनों की परेशानी को देखते हुए समाज सेवी संस्था के सेवा भारती ने खुले मैदान में टेंट लगवा कर राहत दी है। फिर भी परिजन छांव के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। टेंट में विद्युत व्यवस्था नहीं होने से रात को जानवरों का खतरा था। बताया जाता है कि परिजनों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। 1 किलोमीटर दूर जाने पर भी पानी नहीं मिल रहा है। परिजन बताते हैं, किस किस चीज की समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। रात में इधर से उधर कर दिया, यहाँ से वहाँ, यहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं थी, फिर उधर जाना पड़ा। जितना सहयोग पाठक जी की मित्रता मंडल से हो रहा है, बस उसी सब से ये सब कुछ चल रहा है, वरना यहाँ पे पीने के पानी के नल की व्यवस्था नहीं है। कि रात में लोग परेशान हो रहे हैं, एक एक बाटल एक एक बूंद को ढूंढते फिर रहे हैं, 1 किलोमीटर तक दूर जा रहे हैं तब भी पानी नहीं मिल पा रहा है। मोमिनपुरा कुरैशी मंडी में आपसी विवाद के बाद आरोपी ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। बाई पसली में चोट लगने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया है। कुम्हारों का वास मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद रईस ने पुलिस को बताया कि घर के पास बगीचे में चचेरे भाई फैजान के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी आरोपी शहनवाज कुरैशी निवासी कुरैशी मंडी वहां आया। घर के आसपास चक्कर लगाने का आरोप लगाते हुए फैजान से विवाद किया तथा चाकू से वार कर दिया। बाई पसली पर चाकू लगने से खून बहने लगा। वसीम और मोइन ने बीच बचाव कर फैजान को छुड़वाया। गंभीर घायल फैजान को तीनों ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती करवाया। मोहम्मद रईस की रिपोर्ट पर माणक चौक थाने में प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जानकारी देते हुए फैजान ने बताया, किस बात को लेकर विवाद का कारण था? इससे मेरी 8 दिन पहले लड़ाई हुई, 8 दिन पहले इससे मेरी लड़ाई हुई थी। हम दोनों के पीछे सब सो ले गया, 8 दिन पहले लड़ाई थी तो सो ले गया था। तो फिर वो मेरे पप्पे के लड़के से, बाहर वाले लड़कों से बोलता, बोले तो वो तुमने पिला नहीं करा,
प्लानिंग करके उसने मुझे वहाँ बुलाया, बावड़ी को बुलाया, बावड़ी को बुला के मेरे फुफो का लड़की थी उनके हाथा पाई तो मैं छुड़ाने गया, मैं उनको छुड़ा रहा था, छुड़ाते छुड़ाते उन्होंने चाकू निकाल के मेरे मार दिया। कितने लोग थे? ये 3-4 लोग थे, छिपाने में भी थे सर, शांति थे, साथ में था एक रोहित करके लड़का, ये भी था साथ में सर उसको, और एक शाहनवाज ने मेरे चाकू लाया। आपका विवाद किससे हुआ था? शाहनवाज से। किस बात को लेकर हुआ सर? ये जो हमारी लड़ाई हुई थी ना इसी वजह से, 8 दिन पहले हुई थी उसको लेकर हुआ था। तो आपका विवाद 8 दिन पहले हुआ था, किस विवाद को लेकर हुआ था? वापस क्यों लेटा था ऐसी गाली था। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली और कहा है कि 7 मई तक जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 1 मई तक का लॉकडाउन 7 मई तक होना तय है। संक्रमण की चेन नहीं टूटी तो यह लॉकडाउन 7 मई के बाद भी बढ़ता दिख रहा है। शहर में लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन सख्ती के संकेत दे रहा है। सूत्रों की माने तो आवश्यक और होम डिलीवरी की आड़ में लगातार भीड़ सड़कों पर दिख रही है। इस भीड़ को रोकने के लिए घूम घूम कर हाथ ठेलों पर दिखने वाले फल और सब्जी विक्रेताओं का समय तय किया जा रहा है। वही गली मोहल्लों में खुल रही किराना दुकान और थोक दुकानों का भी समय तय कर भीड़ को रोका जाएगा।